कर गए हैं? नहीं, अभी तो हम यूपी में ही हैं, अभी हमने गोंडा पार किया है। गोंडा के बाद बस ठंडी इतनी लग रही है, बाप रे भाई, एसी में तो बहुत ठंडी लग रही है। बिहार आने वाला है बस, एंड बिहार और यूपी के जस्ट बॉर्डर पे है मेरे गाँव, जिसका नाम था सीमान। उतरेंगे उसके बाद से गांव चले जाएंगे। नहीं पता, अच्छा लग रहा, अच्छे लग रहे, फिल्टर लगा देंगे आपके मुंह पे। सो गाइस, पता है आप लोगों को एक चीज में बताऊं, लाइट्स जब हम लोग रात को सारी ऑफ कर दी ना, तो ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपने बेडरूम में अपने घर पे सोई हुई हूँ। इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसका जो सीट की मतलब वो है ना चौड़ाई, वो भी काफी अच्छी है। मैं और धनवी आराम से आ गए, ये ऊपर सो गए थे, मैं धनवी नीचे सो गए थे। धनवी ने रात में एक बार भी चूं चाय कुछ नहीं किया है। अब हम लोग पीने जा रहे हैं चाय, देख सकते हो। अब हम चाय पियेंगे और उसके बाद में थोड़ी देर में आपको हम अपना सरप्राइज दिखाने वाले हैं। आप अच्छे लग रहे हो। जिनके चाहत में अखिया बरसी है, एक ही रील्स डाला है आपके साथ वाला डालने का इंतजार कर रहे हो ना। सो गाइस, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। गाँव की सुंदरता देखेंगे। हाय, कितना सुंदर। गुड मॉर्निंग, ट्रेन में हुई गुड मॉर्निंग। देखो मेरा बच्चा कितना समझदार है, उठते ही ब्रश लेके उठी है। देखना डायपर पे ऐसे घूम रहे जैसे लग रहा है घर में है। रात में कांच में थी क्या? इसको क्या खिलाएंगे पिलाएंगे? अभी नहीं खाएगी वो। गाइज, हमारा बेटू सो के उठ गया है और उठते ही ब्रश ले लिया है, और मैंने अपने इयररिंग्स चेंज कर लिए। मैंने ये वाले इयररिंग्स पहन लिए हैं जो पतिदेव ने गिफ्ट दिए थे, और पतिदेव गए हैं बाबू भैया भाभी को लेके आने यहाँ पे। बिकॉज सरप्राइज ये था कि अब हम लोग नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होने वाले हैं। हम लोग सूट पहन के आए थे घर से, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और मैं साड़ी में कम्फर्टेबल नहीं हो पाती, स्टेशन पर चलना, बच्चा लेके, ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। तो हमें घर से ही पता था कि ऐसा कुछ कैबिन मिलने वाला है। अगर नहीं होता तब तो साड़ी पहन के आना ही पड़ता, अगर कोई ऑप्शन नहीं होता तो, बट ऑप्शन था। सो इसीलिए हम लोग सूट पहन के आ गए हैं और अब हम लोग अपने कैबिन में, वहाँ से गोरखपुर आने वाला है। सो गोरखपुर से भैया भाभी और बाबू हमारे यहाँ पे कैबिन में आ जाएंगे, फिर हम, मैं और भाभी यहाँ पे चेंज कर लेंगे, हम लोग साड़ी पहन लेंगे और नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हो जाएंगे और फिर अपने गाँव जाएंगे। एक अलग रूप, एक अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट सब कुछ होने वाला है। बहुत एक्साइटमेंट है, कल पूजा है, आज मेरी जो नंद है कविता, जो मेरे बड़े पापा जी की बेटी हैं, वो भी शायद आ जाएंगी, ये लेने जाएंगे शायद, और बुआ जी वगैरह भी। देखते हैं कौन कौन आता है, किन किन से, बहुत सारे लोगों से तो मैं पहली बार मिलूंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शादी के बाद पहली बार उनसे मिलने के लिए, बिकॉज कुछ रीज़न कुछ ऐसे कि दिल्ली वो लोग नहीं आ पाए थे तो मैं कभी नहीं मिल पाई थी, और जब मैं गाँव गई थी तो वो नहीं थे वहाँ पर, सो इसलिए कभी नहीं मिल पाई हूँ। बट आज हम फाइनली मिलने वाले हैं। जा जा जा, इंजीनियर बेबी। अब हम पियोगे? Oh, 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 oh
सभी के लिए ये था सरप्राइज। तो मैं आई थी घर से पहन के सूट और अब मैं आ गई हूँ पूरी बहुरिया में, बन गई हूँ नई नवेली दुल्हन चूड़ा। और गांव में जाना है तो इतना घूंघट करना है ना, मुंह नहीं दिखना चाहिए, ठुड्डी भी, ये भी नहीं दिखना चाहिए, ठुड्डी इतना, चिन नहीं दिखना चाहिए, यस, चिल्लाए कहना चाहिए फलाना सिंह के पतो है। कैसा लगा आप सभी को मेरा ये सरप्राइज? आपको कैसा लगा मेरा ये सरप्राइज पतिदेव? आपको तो पता था ऐसा कुछ होने वाला है। सो फाइनली हम नई नवेली दुल्हन बनके रेडी हो गए हैं। उस वाले कैबिन में अभी भाभी रेडी हो रही हैं, तो मैं इधर आ गई साइड वाले कैबिन के, जो लोग थे वो उतर गए हैं। सो मैंने ये साड़ी पहन ली और चूड़ा उड़ा पहन लिया है, अच्छे से रेडी हो गई हूँ। बस थोड़ी देर में आने वाला है हमारा स्टेशन। चेहरा थोड़ा सा ना अजीब अजीब सा लग रहा है ना, क्यों? कोई नहीं, थोड़ी देर में नेचुरल नहीं लग रहा है। हाँ, थोड़ी देर में ना ठीक हो जाएगा। ठीक है, और कैबिन साफ करवाओ तो बबनी ने पूरा गिरा दिया। इसको क्या खिलाएं पिलाएं? मैं अपना भूख तो लगी होगी, मांग ले क्या दूध? गाइज मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, लग रही हूँ नई नवेली दुल्हन या नहीं लग रही हूँ? अगर नहीं लग रही हूँ तो फिर और अच्छे से कोशिश करूँगी नेक्स्ट जब साड़ी पहनूंगी तो उसमें ज्यादा अच्छे से लगूँ, है ना? तो आप लोग कमेंट में जरूर 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 जरूर। ये हमारा सारा feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. हम बिलीव करते हैं जैसा देश वैसा देश, सही बात है। इसलिए गांव में आए हैं तो ट्रेडिशनल रहना अच्छा लगता है, संस्कारी लगता है, एकदम संस्कारी है। पहले आपकी अलग ही तरीके से बात है, हम दूसरी शादी करते हैं कि दूसरी बीवी आ जाएगी। स्टेशन हमारा है ना सिवान, मैरवा उतरेंगे हम सिवान, मैरवा नहीं रुकती है। तो नेक्स्ट स्टेशन हमारा सिवान है, एकदम रेडी हूँ। और हमें लेने हमारे जो सबसे बड़े जेठ जी हैं वो आने वाले हैं, थर्ड फोर्थ नंबर के, पांचवे नंबर के जो जेठ हैं मेरे, जो भैया गांव रहते हैं वो आने वाले हैं। थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके उनका दिखा दूंगी, दूर से उनका पैर छूना है क्योंकि हमारे यहाँ पे वही सब चीज़ें होती हैं। बट आप लोगों ने कभी मुझे करते हुए नहीं देखा भैया के साथ, क्योंकि शुरू से ही हम लोग का रिश्ता मतलब ऐसे जेठ और वो वाला नहीं रहा है भैया के साथ, तो इसलिए मैंने उनके साथ कभी नहीं जेठ वाला अपना कुछ भी निभाया है। उन्होंने भी मेरे साथ कभी नहीं निभाया, छोटी बहन छोटी बच्ची की तरह मुझे ट्रीट किया है हमेशा। सो वैसे ही मैं उनके साथ रही हूँ।
बट बाकी सभी के साथ तो ऐसे नहीं रह सकते ना, बाकी सभी के साथ अलग एक होगा तो आपको देखने मिलेगा, उनके सामने भी इतना घूंघट होगा, दूर से उनका पैर छूना है, तो थोड़ी देर में आप लोगों से ट्रेन से उतरते वक्त मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज भैया आ गए थे जो मेरे जेठ है जी हैं वो, तो मुझे घूंघट करना पड़ा था एंड घूंघट करने के बाद भी मैंने थोड़ा बहुत क्लिप रिकॉर्ड किया था ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर कर पाऊँ कि किस तरीके की चीज़ें हो रही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करना, बहुत अच्छा। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। इसके बाद गाँव जाने का, किस तरीके से हमारा वेलकम हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में देखने को नज़र आएंगे बिकॉज ये ब्लॉग बहुत लंबे हो जाएंगे और यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एडिटिंग वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। जितना भी कर पा रही हूँ उतना एडिट करके आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ हम सब लोग खड़े हैं, ये जो आप पिंक शर्ट में टी शर्ट में आप देख रहे हो ये भैया हैं जो हमारे जेठ हैं वो हैं, और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। एक बहुत अलग, बहुत स्पेशल, बहुत अच्छी फीलिंग है जो मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करना, बहुत अच्छा। देखो हमारे ऊपर किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया है कि आपको ऐसे करना है ये करना है, ये हमारा खुद से है कि हाँ हमें खुद से ऐसे करना चाहिए, जहाँ देश वैसा भेस हमेशा रखना चाहिए। वैसे तो हमें सब लोग यूट्यूब पर हमारी वीडियोज़ देखते हैं तो सब ने हमारा फेस सब कुछ देखा हुआ है, ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं है, बट स्टिल फिर भी ये चीज़ करना हमें अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ अपलोड करने की, मेहनत कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं आप सभी तक अपने ब्लॉग्स पहुँचा पाऊँ, बट देखते हैं। आगे आने वाले ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। You show up first, you're staring at me like I can do.